ओ भाई युगो या फिर अलग व्यू। और वो जो वो वाला पहाड़ है ना, वो वाला हाँ वहां से है कश्मीर हमारा। जो रिमेन सिटी है ना, तो ये आपको लगेगा सीधे जैसे इटली है ना, वैसे डिट्टो है ये। सो गाइस वेलकम बैक टू नला। कैसे आप सब? आईटी को आप सभी बढ़िया होंगे। आज दूसरा डे है तो देखते हैं क्या क्या विजिट होगा इधर। हम पहले जाएंगे यूनिवर्सिटी, उधर देखेंगे क्या क्या है। राजौरी मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इधर ना जम्मू से कम गर्म होता है और कश्मीर से ज़्यादा। अभी हम जा रहे हैं बाइक पे यूनिवर्सिटी देखने। तो फाइनली हम पहुंचे जहां हमें पहुंचना था। और भाई साहब पीछे से व्यू गजब है यार, गजब। वो क्या है उधर? ये यार इस डिपार्टमेंट मतलब मेन एचडी इन ऑफिस थे इलेक्ट्रिक गया था इंजीनियरिंग में, तो बेसिकल ईएनसी सीएससी डिपार्टमेंट गए थे। ओके बाय अपनी बाहर से ब्यूटी यहां पे। ओ भाई युगो या फिर अलग व्यू। और वो जो वो वाला पहाड़ है ना, वो वाला हाँ वहाँ से है कश्मीर हमारा, उससे उसके जहाँ पे बर्फ है। हाँ उसके बाद तो वो पीर की गली साइड आता है। ये जो ये वाला है ना, इसको कहते हैं बादशाह कैंटीन। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये कैंटीन यहीं पे बीटेक वालों के लिए हाँ? और जो भी बाकी डिपार्टमेंट्स है उनके लिए भी यहाँ पे है। ठीक है, एमबीए वगैरह के लिए भी यहाँ पे भी है कैंटीन, क्योंकि नजदीक है ये। नहीं ये वाला नीचे वाला जो ग्रीन है हाँ? तो ये वाला है फिजिक्स डिपार्टमेंट। ठीक, और पॉलिटेक्निक वाले भी यहीं पे पढ़ते हैं, तो इनको अब फीस भी कम हुई है तो वो आ सकते हैं यहाँ पे विदाउट बोपीओ करके। हाँ, तो ले सकते हैं, 5,000 फी है अब। और बात ये है कि इनके लिए सब रंग में है, सब रंग भी जा सकते हैं। और ये वाले आते हैं स्टूडेंट एमिनिटी सेंटर, जहाँ हम कल गए थे वहाँ खाने खाने के लिए वो शर्मा जी के पास। वहाँ जो व्हाइट बिल्डिंग है, ये जो बड़ी बड़ी व्हाइट व्हाइट बिल्डिंग है, ये सब आते हैं यूनिवर्सिटी से। हाँ, सब यूनिवर्सिटी। और वो जो उधर गेट है इस साइड से, वो उधर से लेके इधर तक यूनिवर्सिटी में सारे यहाँ से यूनिवर्सिटी है। तो ये है वर्कशॉप, जो सिविल वाले आते हैं वो वर्कशॉप यहाँ पे आते हैं। जो ये कुछ मैकेनिकल सब्जेक्ट होता था या सिविल के सब्जेक्ट होते हैं, ड्राइंग वगैरह, वो यहीं पे किया जाता है। और वो नर्सिंग हॉस्टल ऊपर वाला है, नर्सिंग हॉस्टल। और इनको सिक्योरिटी वगैरह सब है यहाँ पे। हाँ, पुलिस है। ये है इनका नर्सिंग डिपार्टमेंट। तो इनको सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, यहाँ से ऊपर जाते हैं यहाँ पे। ये कितनी सीढ़ियाँ हैं? 300 के आसपास। 300 के आसपास होंगे। अभी हमने पूरा कैप्चर नहीं किया, पूरी जानकारी हमने अभी नहीं दी। मैं ज्वेलरी पेट जगह बहुत अच्छी है और इधर खतरा भी नहीं है और क्लाइमेट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। कश्मीर के नज़दीक भी है, मतलब जम्मू और कश्मीर मान लो मिक्स है। और राजौरी मैं इसको बोल सकता हूँ कि लाइट पंजाब, यहाँ पे सबको लाइट पंजाब। और जो राजौरी मेन सिटी है ना, तो ये आपको लगेगा सीधे जैसे इटली है ना, वैसे डिट्टो है ये। और अब जब हमने इतनी मेहनत की है, इतनी जानकारी दी है, तो इतनी काफी होगी शायद, नहीं इसके बाद भी आएगी। तो थोड़ी सी इसमें शॉर्ट्स उठा ले, देखते हैं अगर मुझे आया कुछ, देखते हैं। उठाए हमें यहाँ से सिनेमैटिक शॉट्स भी थोड़े से ज़्यादा नहीं उठाए हमने, क्योंकि वीडियो हमने जानकारी के लिए रखी थी, तो इधर क्या हमें सिनेमैटिक्स डालते हैं इसमें। अभी बाइक की हालत ऐसी है, ये देख रहे हो धूल कितनी है, मिट्टी धूल का मिट्टी है ब्रो। और इधर टायर में भी हुआ है कट। अब पहले इसको हम सर्विस करवाते हैं, नीचे रेडिएटर से हालत देखो क्या है। अब इसकी सर्विस जरूरी करवानी पड़ेगी, मतलब वॉशिंग, वो वाली सर्विस नहीं, सिर्फ वॉशिंग। ओके हम निकलते हैं अभी। हाँ ये क्या है इधर? और ऊपर कैंटीन। जब कैंटीन तक आए हैं तो कुछ खा पी के ही जाते हैं। अभी भाई इधर है, खा पी के निकले हैं हम अब बाहर। सांस इसलिए फूल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना ये चढ़ाई है सीरियसली, हालत टाइट हो चुकी है ऊपर से गर्मी, विंटर्स में हालत समझ रहे हो।
ये वाला ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आईटी का डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे भी हमें कंप्यूटर साइंस का भी है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लैब्स होती है वहीं पे होती है, कंप्यूटर लैब होती है या इलेक्ट्रिकल की लैब होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब होती है, तो यही होती है। और नीचे भी है लैब्स इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो भी दिखाएंगे। ये जो ये वाला है ना प्लाई का, ठीक प्लाई का देखो इंजीनियर कैसा प्लाई के लिए, और अंदर से लगता नहीं है। ये जो यहाँ यूनिवर्सिटी में आते हैं ना तो सोचेंगे कि डिग्री टफ होगी यहाँ पे, डिग्री कोई टफ नहीं है, वैसे ही है जैसे सब जगह है, लेकिन पैसों की डिग्री नहीं मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आपको डिग्री मिलेगी, अगर आपने मेहनत नहीं की तो डिग्री नहीं मिलेगी। इसकी इलेक्ट्रिकल की थी लैब, तो फर्स्ट सेम था हमें, तो फर्स्ट सेम में हमें 10:30 बजे छोड़ा, पैसों से नहीं चलते यहाँ पे। क्या सुबह के 10:30 से शाम के 10:30 यहाँ से छोड़ा गया, पता है क्यों? क्योंकि टाइम लग रहा था वाइवा लेने में, तो जब वाइवा ख़त्म हुआ तो हम 10:30 बज गए थे यहाँ पे, और हमसे भी पीछे थे बहुत सारे, वो पता नहीं कब आए होंगे। ANC का यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल और ANC के लैब्स, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लाइक का बनाया। इधर से कहाँ जाना है? यहाँ से एक पार्क है, तो वहाँ जाते थे। पार्क है या जंगल है? तो उसको रोड भी है, अरे भाई साहब बच गए बच बच गए। और एक बात, हाँ यहाँ से एनजीओ वाला डिपार्टमेंट, उसी के लिए जाना है हमें इधर, तो वो रोड वाला भी रास्ता भी दिखाएंगे ना, उधर से नहीं जा सकते थे, यहाँ से आना था। दिखाऊं या नहीं? चलो दिखा दो। हिडन पैराडाइज, पूरा जंगल ही है। मरिन ने क्या किया है उधर, BGS व्यू लिखा है इस साइड से, एक इधर BGS व्यू लिखा है इन्होंने, MBA डिपार्टमेंट। ये रहा ताज हॉस्टल, ये बॉयज हॉस्टल है, दो बॉयज, इसका नाम है बाबू, हो गया कुछ होगा। ये MBA वाला डिपार्टमेंट, ये कंप्यूटर साइंस और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये है यहाँ पे ऑडिटोरियम, इसको बोलते हैं कंगोटा पार्क, अरेबिक डिपार्टमेंट। ये इसकी सीढ़ियाँ, ये नहीं ये वाले, ये ना ये, इधर से कहाँ जाते हैं? इधर से भी जाते हैं, अभी दिखाऊंगा, पहले ये दिखेंगे, ये सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी कागजात होते हैं इसमें, और यहाँ पे बैठता है ये एग्जाम का, ये उर्दू डिपार्टमेंट, उर्दू अरेबिक, इसका क्या काम है इधर? ये है ना यूनिवर्सिटी, ये मतलब कॉलेज है कि इंजीनियरिंग कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक, ठीक और एक वाला कॉलेज है उसके जो सीढ़ियाँ ऊपर है वो है उसका, उस जो मैंने पहले ही बोला। और ये जो यहाँ पे ग्लास लगा के ये है कॉलेज, ये कॉलेज नर्सिंग कॉलेज लिखा है ना, उसको रोड यहाँ से जाता है, ये वाला। उधर की सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज, और नीचे प्रिंसिपल रहता है पॉलिटेक्निक का, और डीन इन्हीं का डीन, ठीक है इनका डीन। ये है हेल्थ सेंटर इधर का, आगे से देखते हैं, आगे से आप देखते हैं। इधर कैंप में ये मच भी है, ये है हेलीपैड, ये वो है बाबा BGS BU, इसको कहते हैं सबरंग, सबरंग स्क्वायर, सबरंग स्क्वायर, सबरंग। ये रहा गेट, ये है चीफ प्रॉक्टर का ऑफिस, ये पहले यहाँ पे जीके बैंक था, हाँ क्या गया वहाँ पे, और पोस्ट ऑफिस भी वहाँ है, अमेजोन का ऑर्डर जो भी आता है वो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जरिए आता है। और ये बुलेट बोला था ना पंजाब लाइट है, ये है यहाँ से नर्सरी, गर्ल्स हॉस्टल, फातिमा ज़हरा हॉल, और ये सारे है सारे बिल्डिंग, और वो पीछे वाला नहीं है, पीछे वाला है ये स्टाफ का, बाकी ये गर्ल्स हॉस्टल है सारे, 1, 2, 3 बॉयज हॉस्टल। और यहाँ ग्राउंड, ये रहा कैंटीन, और स्पोर्ट्स ऑफिस, और स्पोर्ट्स ऑफिस, और नीचे जिम,
इंग्लिश एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैथमेटिकल डिपार्टमेंट। और ये क्या है इधर? ये क्या है? ये है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेंटर फॉर हाँ टूरिज्म का डिपार्टमेंट। अभी जाएंगे यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है यहाँ से, वो भी दिखाएंगे। और डिजिटल लाइब्रेरी जो बनाई गई है अभी, तो वो भी। और जो वो वाला डिपार्टमेंट है जो हमने कहा था बायोडाइवर्सिटी, वो भी दिखाएंगे। ये डिजिटल लाइब्रेरी दिखाऊंगा ना अभी यहाँ से। अभी धूप नहीं है इस साइड, अभी फिर से बनाना पड़ेगा। कौन ये टूट गया था? ये ग्लास पूरा ये यहाँ पे लगा था सारा ग्लास टूट गया सारा। लिफ्ट लिफ्ट पे लगा रही है तो ये कंस्ट्रक्शन की स्टार्ट हो जाएगी ना। अभी ऊपर से देखो ये डिजिटल लाइब्रेरी। आप सोचो कि ये भी ऐसा है, जब बनेगा तब क्या होगा। बोलोगे आपकी बात की यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसे होते हैं कि वो पहले ऐसे डेवलपर होती है, तो जिसने पैसों से डिग्री मिलती है ना तो वो डेवलप जल्दी होते हैं। हाँ ये बात भी सही है। यहाँ मैंने यहाँ से देखो नीचे बस थोड़ा सा दूर रहेंगे, ठीक है? लिफ्ट यहाँ से ले जाएगा ऊपर। और इधर ऐसा है सही है। ये है टेरेस जूलॉजी बॉटनी डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी। मतलब आदमी बायोडाइवर्सिटी किनके साइड लगता है? यहाँ से बॉटनिकल गार्डन हम उधर ही जा रहे हैं जहाँ पे स्टडीज करते हैं ना। ओके और यहाँ से फुटबॉल ग्राउंड भी है। खुद पढ़ लेंगे हम, एक्सप्लोर करवाते हैं बस। बनाना ट्री वो, और ये उनको पता होगा कि ये कौन सा ट्री है, उसके बारे में कुछ पता है, कुछ लिखा है। अब मैं भाई को बोल रहा हूँ कि हम वापस ही जाएंगे क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ वीडियो के चक्कर में, पता नहीं कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ रहा है। अब कितनी जगहों पे जाना है? दो तीन अभी हो रहे हैं। आलसीपन ना यहाँ पे खत्म हो जाता है। जब यहाँ से पहले ये नहीं होता था ना ये फुटबॉल ग्राउंड, तब हमने यहाँ पे फोटो शूट किया था जो याद है आपको मेरे 2018 में ये भी किया था, फिर इसको फुटबॉल ग्राउंड बनाया गया। तेरा फुटबॉल ग्राउंड सामने। अब वहां से मैं ही बाइक चलाऊंगा, बाइक को नहीं आएगी चलानी, ये मैं लिख के देता हूँ। अभी ये है बेसबॉल के लिए मैन एंड वुमेन, फुटबॉल के लिए मैन, मतलब ये मल्टीपर्पज है। यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है? ये है ग्राउंड और ये है सूरज। कुछ चीजें हमें कट करनी पड़ती हैं क्योंकि ये हम ना ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, अगर लाइफस्टाइल व्लॉगिंग हो ना तो प्राइवेसी भी थोड़ी सी शेयर करनी पड़ती है जो प्राइवेसी में होता है, तो हम वो मत करते हैं शेयर क्योंकि हम ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, तो हम वही करेंगे जो हमें दिखाना होता है। तो ऐसा ही मैंने शायद कल के व्लॉग में नहीं दिखाया आपको कि मतलब हम उस रोड से आए थे। पहली बात अगर मैंने दिखाया भी होगा मुझे पता नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम था उधर से विजिट करना, तो ज़्यादा याद भी नहीं रहता है और ब्लॉग के चक्कर में पता नहीं क्या क्या सहना पड़ता है। और ऊपर से और ये वही वाला पीछे जहाँ पे हसन अली ने कैच छोड़ा था। हाँ
ये जंगल वो जंगल है जहाँ पे जो कश्मीर जैसा जंगल है हाँ। और ये बहुत घना हुआ है और उसमें लेपर्ड्स भी हो सकते हैं और बहुत जानवर ऐसे भी है जो जूज में होते हैं। ठीक है ये वाला साइड है, ये मतलब राजौरी वाला साइड दिख रहा है। ठीक है तो वहाँ पे जो वो वाला है ना वहाँ पे क्या किया जाता है, मधुमक्खियाँ नहीं होती हैं माछ वाछ हनी वनी वहाँ पे वो करते हैं। ठीक है ये वाला साइड तो वहीं पे हमने पिछली बार जब लास्ट टाइम आए थे ना मैं और अपने दोस्तों के साथ था तो एनओसी लेने तो यहाँ पे हमने देखे थे, मैंने देखा था खरगोश जंगली मुर्गी मुर्गियाँ मतलब वो इतने तेज भागते हैं वो दिखाई नहीं देते इतने, और पीकॉक्स भी होते हैं यहाँ पे वो अंदर होते हैं जंगल में मतलब मुश्किल है उनको देखने, और सुना है अभी लिपर्ड्स भी हैं। बड़ी तगड़ी ऑफ रोडिंग हो रही है यहाँ पे और मोबाइल से शूट हो रहा है सब कुछ। मेरे को बाइक चलानी नहीं आती है, बस थोड़ा सा शौक है इसलिए चला रहा हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है इसकी बदौलत व्लॉग के लिए ब्रो। ये है बॉयज हॉस्टल और इधर से है वो वॉशरूम। ये है भाई का रूम था लेफ्ट भाई का सिग्नेचर। सो ही गाइस वेलकम, सो ही गाइस होपफुली आप सबको व्लॉग पसंद ही आया होगा। व्लॉग का एंड कैप्चर करना मैं भूल ही गया था तो अभी जाके याद आया है तो इसलिए मैंने वीडियो शूट किया व्लॉग एंड करने के लिए। इसके बाद नया सा व्लॉग शूट होगा जो सिटी पे है तो वो भी आएगा, बट उससे पहले इस पर अच्छा खासा रिएक्शन आके दो। मिलते हैं आप नई वीडियो में।